नमस्कार, मैं डॉक्टर रणदीप सिंह, कैंसर विशेषज्ञ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि क्या कैंसर के इलाज के साइड इफ़ेक्ट्स कैंसर से भी ज़्यादा तकलीफदायक हैं। आखिर कैंसर या कर्क रोग क्या होता है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के सेल या कोशिका बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही डिसरेगुलेटेड तरीके से जल्दी बढ़ के शरीर में कहीं ना कहीं गांठ बनाते हैं। ये गांठ जहां उत्पन्न होती है या तो शरीर के उसी भाग में रहती है या फिर लेटर स्टेजेस में शरीर के दूसरे भागों में भी फैल सकती है। कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं? कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जिसमें कैंसर बहुत ही अर्ली या बहुत ही जल्दी पकड़ा जाता है, जिसमें कैंसर का ग्रोथ या कोशिका की ग्रोथ जहां उसका उत्पन्न हो रहा है, उसकी बीज वहीं पे रहता है। दूसरी स्टेज जिसमें कैंसर की कोशिकाएं वहीं ग्रो होती हैं, वहीं बढ़ती हैं साइज में और आसपास के स्ट्रक्चर को प्रेशराइज करती हैं। थर्ड स्टेज या तीसरी स्टेज में यही कैंसर के सेल्स गांठ बनाते हैं या ट्यूमर फॉर्मेशन करते हैं और आसपास के लिम्फ नोड्स या जो उसके ड्रेनिंग एरियाज होते हैं बॉडी में वहाँ फैल सकते हैं। और आखिर स्टेज या चौथी स्टेज, उसमें यही सेल शरीर के दूसरे भागों में, जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर फेफड़ों में या फिर फेफड़ों का कैंसर लिवर में या फिर शरीर के कहीं भी किसी और अन्य भाग में फैल सकता है। दोस्तों, कैंसर के इलाज में 3 विशेषज्ञों का मेन या मेजर रोल होता है। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर वो विशेषज्ञ जो कि कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या मेडिसिंस के थ्रू इस बीमारी का इलाज करें। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या वो विशेषज्ञ जो कि सर्जरीज करें, बट ये स्पेशलिस्ट कैंसर सर्जन होते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड होते हैं कैंसर के लिए ही सर्जरी करने के लिए, क्योंकि कैंसर की सर्जरीज जनरली मेजर सर्जरीज होती हैं। और तीसरे, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, जिसको हम रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट या रेडियोथेरेपी की सर्विसेज से जानते हैं, जिसमें मशीन के द्वारा फोकस्ड एक्सरेज इलेक्ट्रॉन्स ट्यूमर के भाग पे दिए जाते हैं जिससे ट्यूमर के सेल्स को मारा जाता है। ये तीनों विशेषज्ञ आपस में एक गठबंधन बना के, एक टीम के साथ मिलके और ट्यूमर बोर्ड के माध्यम से जो डिसीजंस लेते हैं और जो डिसाइड करते हैं कि पहले कीमोथेरेपी है फिर सर्जरी है या पहले सर्जरी है फिर कीमोथेरेपी है, जब भी ये ट्यूमर बोर्ड और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ ये डिसीजंस लिए जाते हैं, उसके साथ हमारे आउटकम्स भी बहुत अच्छे रहते हैं कैंसर के लिए।